गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का जो हम लोग सारे पार्ट पढ़ रहे थे उसमें ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी में क्या है तो क्लास सेवन का चैप्टर एट है, और इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, मानव पर्यावरण में अन्योन्य क्रिया यानी उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मानव कैसा रहता है, उसका रहन सहन, उसका पहनावा, उसके कार्य, ये सब, और मानव का वैसा वातावरण है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ वन्य जीव जंगल और मानव क्या क्या किया है, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जो एनसीईआरटी की आदत है ऐसे शुरू होगा रेणुका से। अब रेणुका क्या है जी, इसमें एक स्टूडेंट है, ये क्या कहेगी, रेणुका बहुत उत्साहित थी, उसके कारण उसके चाचा, नाम क्या है, श्रीकांत, लगभग 4 महीने के बाद आज घर आए थे। वह है क्या है तो वन्यजीव फोटोग्राफर थे, और तथा जब फोटोग्राफर हैं वो भी वन्यजीव तो नॉर्मल बात है, बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी, तब जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया। दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। विश्व के विभिन्न भागों के निवासी हैं, इनका ये पिक्चर दिया हुआ है, और जहाँ के निवासी हैं वहाँ के अलग अलग रूप रंग भी बदल जाते हैं और कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। तो देखिए, गौर से देखिए और कुछ बताइए। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। रेणुका को उसके चाचा ने जो तस्वीर दिया वही तस्वीर है, ऊपर देख लीजिए, गौर से देखिए, आगे बढ़ते हैं। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नरम वर्षा वनों से। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएँ तो हमारे समान ही, उसके चाचा बोलते हैं, श्रीकांत चाचा ने कह दिया। और उनके बच्चे भी शायद तुम्हारे ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं या फिर कभी समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अब कृपया रसोई, क्या आप जानते हैं, बताइए इसमें क्या पूछ रहा है। जब स्पेन के अन्वेषक को ने इस नदी की खोज की थी, तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इस आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोस नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह को की याद दिला दी। और इसी प्रकार इसका नाम क्या नाम पड़ गया, अमेजन, यानी इस नदी का नाम पड़ा अमेजन। अमेजन का नाम किस पर है तो यूरोप के योद्धाओं के, कौन तो रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं का आक्रामक समूह, उसी का नाम पर नदी का नाम पड़ा जो अमेजन नदी है। अब देखते हैं हम लोग अमेजन बेसिन में जीवन, अमेजन नदी में का जो बेसिन क्षेत्र है उसमें जीवन कैसा है। देखिए, अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम उसको मानचित्र देखना चाहिए, देखेंगे नीचे पहले पढ़ लेते हैं। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित होता है, यानी 0 डिग्री, यानी पृथ्वी है तो 23 नॉर्थ 23 साउथ, तो इसी के बीच में उष्ण क्षेत्र है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को क्या कहते हैं, उसको भूमध्य रेखीय प्रदेश यानी इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर में जाती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं, यानी अब यहाँ पर ये अमेजन का मुहाना है जहाँ पर या समुद्र में या कोई छोटी नदी बड़ी नदी में मिल जाती है, यानी कि उस नदी का वहाँ पर अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। अब क्या आप इस बेसिन में उन देशों का नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है, चलिए देखते हैं। भूमध्य रेखा ऐसे जाती है, मतलब भूमध्य रेखा से कौन कौन देश जाते हैं, तो भूमध्य रेखा से इक्वाडोर जाती है, ब्राज़ील गुजरती है भूमध्य रेखा से, और कौन कौन से देश उसका देख लेते हैं, 0 डिग्री ही ना, तो भूमध्य रेखा से
क्लियर, 0 डिग्री। हाँ, भूमध्य रेखा से अमेजन, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर और शायद पेरू का भी थोड़ा सा क्षेत्र जाता होगा, नहीं जाता, पेरू ना जाता है, इक्वाडोर जाता है। क्लियर है, मात्र 3 देश, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर ही जाता है, इसमें जा दिया ही होगा, देखते हैं। यही अमेजन नदी का पूरा बेसिन इलाका देख लीजिए, ये ब्राज़ील है, यहाँ पर पराग्वे, पराग्वे नहीं आता है, ये बोलीविया है, लैंड लॉक कंट्री, लेक बोलीविया, दूसरा पराग्वे, नीचे अर्जेंटीना है, ये नीचे चिली है, ये पेरू है, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना है। इसके ईस्ट में यानी इधर अटलांटिक महासागर और वेस्ट में प्रशांत महासागर, और चिली, देखिए चिली है ना, चिली कितना लंबा देश है। सहायक नदी, जब यह छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में मिलती है, मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अब जलवायु, जलवायु देखते हैं थोड़ा सा। जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय क्या होगा, लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, आर्द्रता है तो पसीना निकलेगी ही। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान ऊंच एवं आर्द्रता अति उच्च होती है, रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं, वर्षावन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिनसे जिनसे छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे, पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड, आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। क्या आर्किड एवं ब्रोमीलाइड, यही अमेजन वन के पौधे की यहाँ पर ये लताए हैं, यही सब आर्किड एवं ब्रोमीलाइड हैं, यानी लताए हैं। और वर्षावन में प्राणी जगत की प्रचुरता होती है। टूकन, याद कीजिए, टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षीत वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाली विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। टूकन है, इसका चोंच देखिए कितना भयानक है। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी पाए जाते हैं। टैपीर, सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ जैसी कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ हैं। इसके अतिरिक्त हजारों प्रकार के कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मछली, मांस खाने वाली पिरान्या मछली समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। और यही टैपीर देखिए, देखने में कैसा चूहा जैसा है लेकिन बहुत बड़ा है। हम फिर आ गया, क्या आप जानते हैं ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार है, ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। और एक और देख लीजिए, नहीं देखेंगे इसको, वर्षावन के निवासी, अब जब इतना प्रचुर मात्रा में विविधता है तो यहाँ पर अगर कोई ह्यूमन रहता है, मानव बस्ती है तो कैसी होगी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएँ क्या करती हैं तो वो फसलों का ध्यान रखती है, यानी फसल का काम करेंगी। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, क्या मैनियोक इनका मुख्य आहार होता है जिसे कसावा भी कहते हैं, यानी ये लोग क्या खाएंगे, मैनियोक खाएंगे, यानी कसावा भी कहिए उसको। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होती है। यह चींटियों की रानी एवं अंड चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी पैदा करते हैं, यानी वर्षावन में कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट, बड़े अपार्टमेंट को क्या कहेंगे अमेजन में, तो मलोका,
जिनकी छत तीर ढाल वाली होती है, मतलब कैसी है, ऐसी होगी एकदम इस तरह का कि वर्षा हो तो पानी एकदम धराधर नीचे गिर जाए, और हम जानते हैं कि यहाँ पर वर्षा बहुत अत्यधिक होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुँचने के लिए नदी मार्ग ही एक उपाय था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक तो पहुँचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकाल कर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहें। और विकास की गतिविधियों के कारण क्या होगा, जैव विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। आजकल हम टीवी में देखते हैं आए दिन ब्राज़ील में, ब्राज़ील के बाद क्या तो ऑस्ट्रेलिया में इतना आग लगा, भयंकर आग, कि सरकार भी वहाँ की फेल हो गई, पूरी दुनिया फेल हो गई कि इंतजार करने लगी कि वर्षा हो तो आग बुझे। पहली बात है, जब मानव सब किया है तो मानव क्रिया के ही अत्यधिक देन है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है, और हम देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। एक देखिए पिक्चर है, पहले जंगल कैसा था, इस तरह का जंगल था, बीच से मान लीजिए कि नदी मार्ग या कोई मार्ग रहा हो, उसके बाद क्या हो गया, मानो मान लीजिए कि इसे पहले जंगल का इस तरह का रहा होगा जिसमें पतला ही नदी मार्ग रहा होगा, उसके बाद नदी में के सहारे मानो ने क्या किया, एक इसमें सड़क बना दी मानो। अब तो उसके बाद क्या करेगा मानो, और लालची मानो, अब यहाँ पर जंगल को काट दिया और खेती करना शुरू कर दिया, अब जंगल इतना ही बचा है, इस सब पर चरागाह बना दिया, खेती कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब इस जंगल जो छोटा सा बचा था अब इसको भी मानो काट रहा है, तो क्या होगा, ये जंगल का मानो नाश कर देगा। अब जब बेसिन देख लिए हम लोग अमेजन नदी बेसिन, तो अब थोड़ा सा अपने भारत में भी देख लेते हैं क्या, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के में जीवन, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से हम ब्रह्मपुत्र की कुछ नदी के नाम ढूंढ सकते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कितना विशाल नदी है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद यानी शिवालिक की बात हो रही तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएँ हैं। देख लीजिए ये यहीं से इधर जाएगा तो सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र है, सिंधु नदी इस तरह से, ये आपका कौन है तो ब्रह्मपुत्र नदी है, और गंगा नदी इधर, सॉरी गंगा ये है, और ये घाघरा नदी है, यहाँ पर गंडक है, बूढ़ी गंडक है, और ये कोसी नदी है, ये सब के सब, और गंगा ये दोनों कहाँ मिलते हैं, बांग्लादेश में मिलकर यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं क्या है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील यानी गोखुर झील, तो गोखुर झील कैसे नदी से बह रही है, समय के साथ क्या होगा कि और ज़्यादा सर इतना हो जाएगा कि यहाँ से नदी टच कर जाएगी, जब टच करेगी तो नदी इस तरह से फिर अपना मार्ग बदल लेगी और इसको छोड़ त्याग देगी, तो त्यागत झील है यानी चाप झील या गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः कैसी है तो मानसूनी है, मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच यहाँ वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा गर्मी, शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए बताइए, ऊपर उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन यहीं भी स्थित है, कहाँ से शुरू होगा तो गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में देखिए थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का भी पार्ट आएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ना आएगा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल भी पूरा ही है इसमें, उत्तर प्रदेश हो गया, फिर बिहार, बिहार के बाद में झारखंड से गंगा तो स्वयं जाती है तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूरा बांग्लादेश, और ब्रह्मपुत्र है तो आसाम, मेघालय तथा ये पूरा विस्तृत क्षेत्र, ये क्या है तो गंगा ब्रह्मपुत्र का ये पूरा विशाल क्षेत्र है, बेसिन है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीर ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल होते हैं, जहाँ पर तीर ढाल है वहाँ पर कोई कैसे घर बना सकता है, नहीं बना सकता, कठिनाई है।
अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, बढ़ेंगी पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर अधिक जनता निवास करती है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र की बात हो रही है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होगा, तो कृषि होगा, धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उस क्षेत्र में उपलब्ध है, अतः धान यहाँ और जहाँ अधिक वर्षा भी होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है, गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बगान भी देखे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में क्या तो चाय के बगान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मध्य ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल उगाई जाती है। वेदिका मतलब क्या, ये नदी पहाड़ हो गया, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये क्या सीढ़ीनुमा पहाड़ बना दिए हम लोग, और इस पर यहाँ पर खेती होगा, इस पर खेती किया जाएगा। कि आप जानते हैं, हाँ दिया हुआ कि नहीं, नहीं। शब्दावली देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होगा, एक किलोमीटर मान लीजिए एक किलोमीटर लंबा और एक किलोमीटर चौड़ा, इसी में जो जनसंख्या निवास करेगी वह क्या हो गया कि इसका जनसंख्या घनत्व हो गया। देखिए जनसंख्या घनत्व का अर्थ है एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण के लिए उत्तराखंड जनसंख्या क्या घनत्व है, तो 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का घनत्व 1129 तथा बिहार का तो इससे भी अधिक, सबसे अधिक तो बिहार का है, लेकिन इसने दिया है पश्चिम बंगाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल आदि के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ये धान की खेती हो रही है, इसका पिक्चर देख लीजिए, और ये असम में चाय के बगान का पिक्चर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि आप जानते हैं बता दीजिए। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है ताकि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। ये पिक्चर देख लीजिए, ये वेदिका कृषि का एक उदाहरण है, किस तरह से ढलान बना दिया गया है पहाड़ पर। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव भी पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सिंग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं मगरमच्छ की बात हो रही है, एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। इसे मछली में रोहू, कतला एवं हिलसा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियाँ हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र यानी बंगाल की बात हो रही है, बहुत फेवरेट फसल है, फेवरेट आहार है। एक सिंग वाला ये गेंडा है, देख लीजिए, और सिंग के लिए इसका शिकार किया जाता है, और ये मगर का पिक्चर है, यानी मगरमच्छ हो रही है। अब झील एक केस स्टडी है, देख लेते हैं जीविका गाते हैं। ये विनोद क्या है, एक मछुआरा है, और ये उसका झील है, जो बिहार के मतवाली मोहन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है, क्योंकि मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मोहन या चाप झील को साफ किया है। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार यानी वैलेनेरिया और हाइड्रीला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है, वही जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है, और खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग करता है, और वहाँ के लोग इसे बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी यहाँ मछलियाँ हैं। पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाए रखते हैं। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुँचाता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा न था, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो ये झील ऐसा हो गया तो यहाँ पर अब मछली नहीं होती है। और क्या आप जानते हैं, बताइए यहाँ पर क्या दिया हुआ है।
गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन यानी मीठे जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा औंधी डॉल्फिन कहते हैं। कहा जाता है सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है, ये औंधी डॉल्फिन है। और ये बिहार का राजकीय मछली, पहले अभी क्या है बिहार का राजकीय मछली, तो उसका नाम है मांगुर। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय मछली कौन है, तो ये डॉल्फिन है। क्या आप जानते हैं, अब क्वेश्चन है क्या आप जानते हैं, देखते हैं फिर क्या है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था, और 2 अक्टूबर 2019 को इसके 5 साल भी पूरे गए, और भारत को क्या किया गया, पूरा स्वच्छ घोषित करके ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया गया कि यहाँ पर अब भारत में खुले में लोग शौच नहीं करता है। क्या सही है, कमेंट कीजिएगा। गंगा नदी के तट पर वाराणसी शहर है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है। बेसिन में यातायात के सुविकसित तंत्र उपस्थित है, और हम देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। 4, हम जानते हैं कौन कौन 4 होगा। मैदानी इलाकों में लोग रेल मार्ग, सड़क मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन यानी एयरपोर्ट्स भी हैं। और गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है, याद कर लीजिए। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बेटी इवांका आदि देखने आए थे। इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना के नदी का संगम यह कुंभ होता है। उत्तर प्रदेश में बिहार में बहुत से बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्यजीव अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल इस क्षेत्र में आते हैं। ये मानस वन्यजीव अभयारण्य जो असम में है, उसमें देखिए रॉयल बंगाल टाइगर किस स्थान से बैठा हुआ है। ये तो हो गया, अब चलिए कुछ इसका क्वेश्चन देखते हैं। उस महाद्वीप के नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं, अमेजन बेसिन में कौन सी फसल उपजाएंगे, तो वही उसका नाम क्या था, तो जो आलू के जैसे होता है और उसको वहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं, और उसका क्या नाम था पहले, अब लेकिन कोको, कहवा, काजू, इस तरह की खेती वहाँ पर की जा रही है। क्लियर है। अमेजन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं, तो गुंजन पक्षी, और एक नाम था उसका क्या, बड़ी चोंच वाली पक्षी थी उसका मटुंग, इसी तरह कुछ नाम था, इससे मिलते हैं। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर है, तो कलकत्ता यानी कोलकाता, इलाहाबाद, पटना, कानपुर, बहुत सारे शहर हैं। एक सिंह वाले गेंडे कहाँ पाए जाएंगे, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं। तो इस धन्यवाद।